एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपने फ्रिज को डीप क्लीन कैसे करती हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलिए फिर देख लेते हैं मैं अपने फ्रिज को कैसे क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रिज से सारे सामान निकाल लिया है और आप लोग देख सकते हैं मेरा फ्रिज कितना गंदा है। तो मैं यहाँ पर लूँगी आधा कटोरी पानी, उसमें ऐड करूँगी एक नींबू का रस और इसमें मैंने ऐड किया है विम बार। आप चाहे तो लिक्विड विम बार भी या फिर लिक्विड डिश वॉशर जो आपके पास है आप ऐड कर सकते हैं, और 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसी सोप पानी से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी ले लिया है एक बाउल में और एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। कपड़ा गीला है, पानी को निचोड़ लेना है हमें।
गंदा पानी को फेंक देना है, उसके बाद पानी को चेंज करते रहना है हमें। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है नीचे वाला पार्ट, बाकी जो बचा है उसको मैं भी सेम सोप पानी से धो लूँगी। तो ये अच्छे से धो के मैंने क्लीन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं मैंने मैट को भी धो लिया है और इसको ड्राई होने दिया है मैट को। तो फ्रिज अभी देखिए कितना क्लीन लग रहा है देखने के लिए। और तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से को भी सेम तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने फ्रिज के अंदर एक नींबू का टुकड़ा रखा था कट करके, इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर नॉनवेज रखती हूँ। नॉनवेज रखने से फ्रिज से कुछ स्मेल आता है, तो नींबू रखने से आपको कोई भी गंदा स्मेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज पूरा क्लीन हो गया है, तो अभी मैं यहाँ पे नया नींबू का टुकड़ा रखने जा रही हूँ जिससे कि जितने भी गंदे स्मेल है ये निकल जाएंगे। अब 24 आवर्स के बाद इसको फेंक सकते हैं, पर मैं ऐसे ही रखती हूँ, दो तीन दिन बाद चेंज करती रहती हूँ क्योंकि नॉनवेज रहता है तो स्मेल आता ही है। नीचे वाले हिस्से में नहीं रखती हूँ, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही रखती हूँ। और यहाँ पर मैं बाहर कॉलिन से साफ़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे एक कॉटन के कपड़े से क्लीन कर लूँगी, आप चाहे तो न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना चमक रहा है अभी बाहर से और अंदर से। मैं अपने फ्रिज को महीने में दो बार क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रिज के साइड में भी मैं कॉलिन से साफ कर लूँगी।
तो मैं यहाँ पर लगा लूँगी फ्रिज मैग्नेट जो मैंने ही बनाया था घर पर ही। अगर आपका इसका वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल पे है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कितना चमक रहा है देखिए बाहर से अंदर से। अगर आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मैंने फ्रिज में सामान रख दिया है, ऊपर वाले हिस्से में मैंने दूध जैम और बटर, और इसको मैं यहाँ पर ही रखती हूँ हर्षली का, क्योंकि बच्चे ये तो ऐसे ही खाते रहते हैं। और नारियल को मैं ऐसे ही ड्राई नारियल होता है ना जो, तो मैं उसको सुखाने के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं मसाले रख देती हूँ, सॉस है, अंडा, और मसाले ऐसे फ्रिज में रखने से फ्रेश रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।